टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं जय माता दी। अज माता रानी दा पंजवां नवरात्र है और इस दिन ज्ञान दी देवी माता स्कंद माता दी पूजा की जाती है। इस दिन तुहानूं दैनिक सवेरा दी टीम लैके पुजी है श्री बगला मुखी मंदिर विच। आओ चलदे हां ते करदे हां दर्शन। महाकाली का अवतार हैं, 10 महाविद्याओं में अष्टम अवतार हैं, 8वीं विद्या है माँ बगलामुखी। और ये प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है माँ बगलामुखी का, और ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है जो सिद्धपीठ है माँ बगलामुखी का। और इसको पीताम्बरा शक्ति भी कहा जाता है, पीत वस्त्र धारण करने वाली माँ, इसलिए विष्णु प्रिया हैं, इसलिए पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीला रंग जो है इनको प्रिय है। और माँ के दरबार में जो श्रद्धालु है वो तो सदाबहार हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पे हवन पाठ इत्यादि यज्ञ वगैरह करवाने आते हैं और माँ उनको फल देती हैं, और आगे से आगे ऐसे श्रद्धालु जो माँ के जुड़े हुए हैं। तो माँ की जो प्रसिद्धि है वो जो जानी जाती हैं वो शत्रु हेतु विजय प्राप्ति के लिए जानी जाती हैं। तो शत्रु विभिन्न प्रकार के होते हैं, रोग रूपी शत्रु भी होता है, अब कार्य में शत्रु होता है, व्यापार में शत्रु होते हैं, कोर्ट कचहरी में, राजनीति में। तो अपने अपने कार्यों के लिए मनोकामना के हिसाब से माँ के जो हैं सामग्री हैं और माँ के जो अनुष्ठान हैं, माँ के जो हमने आयोजन बनाए हैं, जो हमने हवन यज्ञ के लिए वो जो प्रोसेस बनाया है, जो हमने नियम बनाए हैं, तो उसके लिए जो है जो हवन सामग्री वगैरह का जो हम मिक्सचर करते हैं, जो हवन सामग्री का हम जो माँ को अर्पण करते हैं, उनसे जो है जो माँ प्रसन्न होती हैं और जो लोगों के कार्य उन चीज़ों से होते हैं। और लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है माँ से और बहुत दूर दूर से लोग जो है माँ के चरणों में अब आ रहे हैं और माँ की काफ़ी प्रसिद्धि हो रही है, माँ लोगों को भरे भंडार दे रही है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं माँ से। हमें 40 साल हो गए आते आने के लिए। हम वैसे यहाँ पर 4-5 साल से आ रहे हैं, कांगड़े देवी, चमुंडा देवी, चिंतपुर्णी जाते हर साल, 40 साल हो गए नरात्रों में। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। तो यहाँ बगलामुखी आकर तो ज़्यादा ही खुशी हुई है, और यहाँ का मौसम भी अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से बोलते हैं। हम पिछले 15 सालों से मैं तो आ रही हूँ कांगड़े वाली माता चिंतपुर्णी ज्वार, वो हमारी कुल देवी है कांगड़े वाली माता। लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ आके, अच्छा लगता है और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। एक अजीब सी मतलब फीलिंग होती, शांति मिलती है मन को, कि एकदम मन शांत हो जाता है यहाँ। हम दिल्ली से हैं। पहली बार आए? हाँ जी। और कहाँ कहाँ से हम लोग गए? अभी हम लोग वैसे तो शिवखोड़ी गए थे, वैष्णो देवी गए थे, जो चमुंडा देवी गए थे, और अभी इसके कांगड़ा देवी गए थे। नवरात्रि की वजह से? नवरात्रि की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, दिल्ली के अकॉर्डिंग तो बात पे चेंज हो जाते हैं। दिल्ली से? पहली बार आए इस मंदिर में? फर्स्ट टाइम आए। अभी तक तो फिलहाल ठीक लग रहा है। और कहां कहां पे जाना? नौ देवी जाना हमने। वैसे दिल्ली से हम बसला आते हैं हर साल,
16-17 साल हो गए लाते हुए। कितने लोग आते हैं? पूरी बस आती है 50-60 आदमियों की। सब फैमिली के साथ? हाँ, सब फैमिली। अभी तो 15-16 साल लगातार चलिए, अगर माता बुलाएगी तो चलते रहेंगे। ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂਚੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ।